मेरा कंपनी का छुट्टी हुआ था 7 बजे, 4 लड़के आए थे, उन्होंने मुझे गाड़ी में था बोलो ले। टेक्निकल दी हेल्प लेंदे हुए इन्दे विचों से 3 व्यक्ति जड़े लक्की और सुमित और अभिषेक ने इन्हों तिना अरेस्ट कर लिया। मुझे अंकुर राणा धमकी देते ले जा रहा था कि मैं तू चल सहारनपुर, किसी गुंडे को उसने फ़ोन किया हुआ था और बोल रहा था काट के तुझे गंगा नदी में फेंकूंगा। जिहड़ी गड्डी दे विच इन्होंने किडनैपिंग की थी उसी गड्डी भी रिकवर कर ली है और जिहड़ा विक्टम हैगा आकाश उन्हों असी इन्हों दे चुंगल दे विच जिहड़ा छुड़ा लिया गया और एक दोषी जिहड़ा अंकुर राणा उनकी गिरफ्तारी दे जिहड़े छापेमारी की जा रही है। अकाउंटेंट नूं किडनैप करन वाले 3 दोषियां नूं कीता काबू, कुटमार करके गंगा नदी च सुटन दा बना रहे सी प्लान, पुलिस ने दोषियां दे जंजाल चों सही सलामत छडवाया अकाउंटेंट। समराला पुलिस ने फैक्ट्री वारों किडनैप होए आकाश कुमार नां दे व्यक्ति दी 112 नंबर ते कंप्लेंट दर्ज होण तों बाद फौरी एक्शन लैंदे होए समराला पुलिस ने अगवा होए आकाश सिंह नूं मात्र 5 घंटिआं विच सही सलामत मुजरिमां दे जंजाल चों रिहा करवा लिया। उप पुलिस कप्तान वरियाम सिंह ने की दस्सिआ, आओ सुणदे हां उन्हां तों। बरदाला इक पाणी वाली फैक्ट्री है, उत्थे आकाश नां दा अकाउंट्स का काम करता से उन्होंने कल किडनैप कर लेंगे तो जिंदे एक अंकुर राणा नाम का व्यक्ति का पता लग्या से तो उनकी कंप्लेंट आने पर पुलिस ने तुरंत जी कार्रवाई करते हुए वक् वक् पार्टियां बना के उन्हों का पिछा किया और अफसर के नोटिस लिया के टैक्नीकल की हैल्प लेंदे हुए इन्हें असी 3 व्यक्ति जोड़े लक्की और सुमित और अभिषेक ने इन्हों तिना अरैसट कर लिया। जिहड़ी गड्डी दे विच इन्होंने किडनैपिंग की थी गड्डी भी रिकवर कर ली है और जिहड़ा विक्टम हैगा आकाश उन्हों असी इन्हों दे चुंगल दे विचों जिहड़ा छुड़ा लिया गया और एक दोषी जिहड़ा अंकुर राणा उनकी गिरफ्तारी दी जिहड़ी छापेमारी की जा रही है और जल्दी उन्हों गिरफ्तार कर। बरदाला बिग रिजोर्ट के बारों बिग रिजोर्ट से ये अपने घर में जा रहे थे, ऑटो च बैठ के जो इन्हों किया गया और ये जड़ा मुरजम ने यह शाहबाद के नेड़े जाके अरैसट किए ने जा रहे थे यूपी वाली साइड से और एक जड़ा दोषी रह गया वो अंबाले तो ट्रेन चढ़ने करके उनकी गिरफ्तारी अजे बाकी है। इनू जड़ा विक्टम आ ये असी इतों ब्राम खन्ने तो क्योंकि इन्हों कुटमार करके गोबिंदगढ़ मंडी के कोल छट के घर चु चले गए से इनू रात देर रात असी जड़ा खन्ने तो इन्हें कोलों इनका पर्स से जिंदे 2500 रुपया से और 2 ATM से एक मैट्रो का कार्ड से एक आधार कार्ड से पैन कार्ड से इनकी रेलवे की टिकट से वह सारा कुछ जो अंकुर राणा लैके मुरजम एक शाहबाद है, 2 सहारनपुर के है, एक जरा अंकुर राणा सहारनपुर के नेड़े हों पिंड इन्हों 364 के तहत जोड़ा मुकदमा दर्ज किया और इन 379B का जोड़ा वादा कर दिता गया।4 लड़के आए थे, जब मेरा कंपनी का छुट्टी हुआ था 7 बजे, 4 लड़के आए थे, उन्होंने मुझे गाड़ी में उठाया, वो लोग ले गए। कहाँ से उठाया, कहाँ ले गए? कंपनी से 100 मीटर आगे रिलायंस पेट्रोल पंप है, वहाँ से उठा के गोविंदगढ़ के पास तक ले गए थे और मेरा सारा चीज लेकर उन्होंने मुझे गाड़ी से उतार दिया। आपसे क्या क्या छीना उन्होंने? एक रिंग था मेरा, पर्स में 2500 रुपए थे, डॉक्यूमेंट आपके पैन कार्ड आधार कार्ड थे, उसके बाद मेट्रो का कार्ड था मेरे पास। ड्राइविंग क्या कारण क्या था आपको क्यों उठाया? 15 दिन पहले मैं घर गया था
एक महीना तक घर पे रहा। उससे पहले मेरा उससे झगड़ा हुआ था, पैसे उसके मैंने लौटा दिए थे। पैसे लौटाने के वजह से वो बोल रहा पैसे दे दे, जबरदस्ती पैसों के लिए फोर्स कर रहा था। जब मैंने मना कर दिया आके मुझे उठा लिया। तो किसकी बात कर रहे हो? जिन्होंने आपको उठाया वो आपके साथ काम करते थे? हाँ, पहले वो मेरे काम करते थे मेरे साथ, मेरे आने के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था। तो यहाँ पे उन्होंने फेंका गोविंदगढ़ में तो आपके? हाँ, मेरे हाथ पे मारा है, मेरे पीठ पे यहाँ पीछे मारा हुआ है, और मेरा जहाँ रिंग लगा था रिंग खींचने समय वहाँ लगा है, गला घोटने की कोशिश की थी। क्या बोल रहे थे जब आपको मारने की भी उन्होंने बोला? मुझे अंकुर राणा धमकी देते ले जा रहा था कि मैं तू चल सहारनपुर, किसी गुंडे को उसने फोन किया हुआ था और बोल रहा था काट के तुझे गंगा नदी में फेंक दूंगा उधर। द एवन मीडिया चैनल ले समराला तो जितेंद्र पाल क्लेर दी खास रिपोर्ट।